गाइज वेलकम टू क्यूरियस। दिस फ्राइडे केरला के कोझिकोड में बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, रनवे से 35 फीट स्लोप डाउन में आके गिरने के कारण एयरक्राफ्ट दो हिस्से में टूट गया है। डीजीसी का कहना है कि ऐसा कोझिकोड एयरपोर्ट की ज्योग्राफिकल लोकेशन और टेबल टॉप रनवे के कारण हुआ है, क्योंकि दो पायलट में से एक है इंडियन एयरफोर्स की डेकोरेटेड ऑफिसर दीपक बसंत साथ है, जो कि इंडियन एयरफोर्स में एज ए विंग कमांडर काम कर रहे हैं। और बोइंग प्लेन चलाने के लिए एक पायलट को अराउंड 1000 फ्लाइट आवर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट या कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए सिर्फ 400 से 600 फ्लाइट आवर्स है। इतनी अच्छी तरह से ट्रेंड होने के बाद आखिर किस वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश हुआ है और टेबल टॉप रनवे क्या है, ये वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। हर एक टेबल टॉप रनवे एक बेस्ट पायलट के लिए भी बहुत ही ट्रिकी और एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होता है। टेबल टॉप रनवे एक रनवे है जो कि एक हिल टॉप पे आइदर हिल कटिंग के बाद और हिल टॉप सरफेस को लेवलिंग करने के बाद बनाया जाता है। और कोझिकोड एयरपोर्ट भी एक टेबल टॉप रनवे है जिसकी दोनों साइड में गॉर्जेस है। गॉर्जेस यानी एक हिल की टॉप से नीचे आने के लिए जो नैरो वे है। इंडिया में कोझिकोड और मैंगलोर एयरपोर्ट के बाद लैंगुई एयरपोर्ट जो कि मिजोरम में है, पैक्यूंग एयरपोर्ट जो कि सिक्किम में है और इंडिया का 100th एयरपोर्ट है और इंडिया चाइना बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू, ये सभी एयरपोर्ट्स में टेबल टॉप रनवे है यानी हिल कटिंग और लेवलिंग के बाद बिल्ड किया गया है। इंडिया के अलावा नेपाल और भूटान में भी आपको टेबल टॉप रनवे देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं कहा था, टेबल टॉप रनवे में लैंडिंग एक बेस्ट पायलट के लिए भी ट्रिकी और एक्सट्रीमली चैलेंजिंग हो सकता है। लैंडिंग और कई सेफ्टी इशू के कारण काफ़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस एयरबस 330 और बोइंग 777 जैसी बिगर एयरक्राफ्ट को टेबल टॉप रनवे में लैंडिंग नहीं करते हैं। 2010 में भी कर्नाटका के मैंगलोर एयरपोर्ट में एक एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन रनवे को ओवरशूट करके एक वैली में क्रैश हुआ था, जिससे 158 लोगों की मौत हुआ था। पिछले साल भी और एक इंडियन एक्सप्रेस फ्लाइट की लैंडिंग के टाइम पे सडन डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन सभी पैसेंजर्स को लेकर एक सॉफ्ट ग्राउंड में जाके रुक गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के टाइम पे शायद यूजुअल स्पीड से हायर स्पीड में था, जिससे प्रॉब्लम ये हुआ कि पायलट को काफ़ी कम टाइम मिला एयरक्राफ्ट को रनवे में रोकने के लिए, जबकि कोझिकोड रनवे यूजुअल रनवे से छोटा है। पायलट्स के मुताबिक टेबल टॉप रनवेज में लैंडिंग के लिए एक प्रिसीजन अप्रोच अपनाना पड़ता है और एक छोटी सी भी एरर की वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। 2010 में मैंगलोर इंसिडेंट के बाद डीजीसीए वाइट बॉडी वाले एयरक्राफ्ट को कोझिकोड एयरपोर्ट में लैंडिंग के लिए बैन कर चुका है, क्योंकि वाइट बॉडी वाले एयरक्राफ्ट की पेलोड्स काफ़ी अधिक होता है और स्लो डाउन होने के लिए बहुत लंबा रनवे की जरूरत होता है। कोझिकोड एयरपोर्ट की रनवे 2860 मीटर है, जो कि मैंगलोर एयरपोर्ट से सिर्फ 400 मीटर ज़्यादा है। यह क्रास एक लेसन हो सकता है पटना जैसे शॉर्ट रनवे के लिए, जिसकी लेंथ सिर्फ 2072 मीटर है, और इंडिया का सबसे लंबा रनवे दिल्ली एयरपोर्ट है जिसकी लेंथ 4430 मीटर है। एयर इंडिया एक्सप्रेस लैंडिंग करने के टाइम पे कोझिकोड एयरपोर्ट की पुअर वेदर की वजह से ये क्रैश हुआ है। बारिश के कारण रनवे में थोड़ा पानी जम गया था, जिससे ब्रेक्स लगाने पर प्लेन स्लिप होकर क्रैश हुआ है। दीपक बसंत साथे जैसे इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर और ये इंसिडेंट में जिन 15 लोगों की मौत हुआ है, उनको क्यूरियस चैनल कम्युनिटी की तरफ से एक बिग सैल्यूट। बट वी लूज अनदर ब्रेव एंड डेकोरेटेड ऑफिसर हु आर सर्फिंग आवर लैंड। दिस वॉज ऑल अबाउट टेबल टॉप रनवे एंड व्हाई एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश्ड एट कोझिकोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।